राजनांदगांव जिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन और विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर एक पेड़ अपनी मां के नाम का अभियान चलाया गया। इस दौरान बीजेपी नेताओं ने स्वच्छता अभियान चलाकर विश्वकर्मा जयंती की बधाई दी। बता दें कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कल 74वां जन्मदिन था। 26 मई 2014 को पहली बार देश के पीएम के तौर पर वह शपथ लेने के बाद से वह अब लगातार तीसरी बार इस पद की जिम्मेदारी पूरी निष्ठा से निभा रहे हैं। साथ ही पीएम मोदी ने अपने पिछले दो कार्यकाल के 10 सालों में कई ऐतिहासिक फैसले लिए, जिसके बाद उनकी छवि दूरदर्शी प्रधानमंत्री की छवि बन गई। वहीं उन्होंने ग्लोबल लीडर के रूप में भी खुद को साबित किया। आज विश्वकर्मा जयंती है, इसके लिए सभी को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथ ही साथ हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी जन्म जयंती है। इस अवसर पर स्वच्छता अभियान पिछले कई वर्षों से, जब से वो प्रधानमंत्री बने हैं तब से ये देश के अंदर चल रहा है और इसका एक आमूलचूल परिवर्तन पूरे देश के अंदर देखने को भी मिला है। हमारे नगर में भी इस चीज़ को महसूस किया गया और आज स्वच्छता अभियान की शुरुआत के साथ उनके जन्म जयंती को मनाने का काम यहाँ पर शुरू हुआ है। साथ ही यहाँ त्रिवेणी परिसर में एक पेड़ माँ के नाम का एक सांकेतिक कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया है, जिसमें पौधारोपण का कार्यक्रम होगा। भगवान विश्वकर्मा जी की जयंती है, उसकी मैं बहुत बहुत सभी को शुभकामनाएं देता हूँ। साथ ही देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जन्म दिवस है। सेवा परमो धर्म, इस मंत्र के साथ वो लगातार इस देश में स्वच्छता को क्रांति के रूप में लाकर और जिस तरीके से उन्होंने स्वच्छता के लिए अभियान चलाया, लोगों में जागरूकता आई, उसके अलावा शोषित पीड़ित गरीब वंचित और इस देश के जनमानस में उन्होंने अपने जन्मदिवस को या अपने जीवन को पूरा उन्होंने एक सेवा के रूप में समर्पित किया है।